हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले एक ऐसी टॉपिक के बारे में जिसके बारे में मुझे रात पता चल गया। बाबा कहोगे ऐसा कौन सा टॉपिक है जो तेरे को रात पता चल गया। दरअसल एक कमेंट आया था जिसमें मुझसे पूछा गया था कि अगर जो है अमृता ही जो है जल अस्त्र है तो मौनी रॉय किस तरीके से जो जल की पावर यूज कर पा रही थी अगर आपने ब्रह्मास्त्र देखी है। जिसके बाद जो है मैंने इसकी रिसर्च करने की कोशिश की। अब देखो मैं दोबारा सिनेमा थिएटर तो नहीं जा सकता, जिस वजह से मैंने थोड़ा सा वैसा वाला जो है रास्ता अपनाया और उसकी मैंने रिसर्च की और जो मैंने क्लिप्स वगैरह थे उन्हें देखा। और देख के जो भी मैंने थ्योरी बनाई है वो अब देखो थ्योरी रहने वाली है, 100% जो है श्योर नहीं कहने वाला हूँ। 100 क्या मैं तो कहूँगा सिर्फ 1% सच हो सकती है, बाकी 99% वो रॉन्ग हो सकती है। और अगर आपके भी इसी तरीके का कोई सवाल है कि ब्रह्मास्त्र में ये चीज़ कैसे हुई और ये चीज़ कैसे नहीं हुई, जो भी आपके हिडन जो थ्योरी रहने वाली है, जो भी क्वेरीज हैं वो आप एक तरह से मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्यों बोल रहा हूँ, कमेंट में मुझे जो है आप बता सकते हो कि हाँ भाई इसने ऐसे वाली पावर कैसे यूज कर ली या वहाँ पे ये चीज़ कैसे होगी। आप मुझे बताना, मैं पूरी इसकी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा पूरी रिसर्च करके, लेकिन वो भी थ्योरी रहेगी पहले ही बता रहा हूँ। लेकिन उम्मीद करेंगे कुछ एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश करेंगे पूरी ऐसी कि हाँ भाई जो थ्योरीज हों 100% सच हो जाए। बाकी बात कर लेते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में कि आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि मौनी रॉय कैसे जल अस्त्र को यूज कर पाती हैं। और अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो यहाँ पे देखो कई थ्योरी निकल कर आने वाली है, जिसमें से पहली थ्योरी मेरी निकल कर ये आती है कि शायद रॉय ही अमृता हो और वो जो है इसे हमारे देव के ऊपर। लेकिन ये वाली बहुत ज्यादा कम है, इसका राज ये है क्योंकि अमृता मतलब बहुत ज्यादा यंग नहीं हो सकती। अगर आप देखो उस हिसाब से कहानी तो मौनी रॉय बहुत ज्यादा इतनी एज का हमारा शिवा भी। बात करें अगर दूसरे पर्सपेक्टिव के बारे में या दूसरे थ्योरी के बारे में तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो हमारी अमृता है वो जली ना हो, जो जानने वाला सीन दिखाया जाता है घर पे, वो जली ना हो और शिवा को छोड़ के जान के चली गई हो इस उम्मीद से कि ताकि शिवा पे कोई जो है इस चीजों का असर ना हो, जो भी अस्त्र वर्ष है उसका असर इस पे ना पड़े, वो बैकग्राउंड से इनडायरेक्ट वे में जो है शिवा की मदद कर रही हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर यहाँ पे एक सवाल ये निकल कर आता है कि फिर जो देव की जो मूर्ति होती है बहुत बड़ी, जो देव ब्रह्मदेव जो दिखाए गए उनकी जो मूर्ति पे से हाथ पे से जो पानी की बूंद गिरती है तो वो कैसे हो सकता है। यहाँ पे भी दो रास्ते निकल कर आ सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि अमृता ने जो है देव को कैद कर रखा है, जुनून जो है देव से कनेक्ट करके जो है पावर यूज करने की कोशिश करती है और अमृता जो होती है उस पावर को पानी में तब्दील कर देती है, ऐसा हो सकता है। ये भी एक थ्योरी रहने वाली। लेकिन यहाँ पे दूसरी थ्योरी ये भी निकल कर आती है कि जो हमारी अमृता और जो देव उनकी फाइट जो है घर जलने के बाद में भी हुई हो, कि जब वो घर में जल रही थी उसके बाद भी उनकी फाइट हुई हो और अमृता ने जो है देव को खत्म करने के लिए अपने आप को उसमें झोंक दिया और वो खुद उसमें समा गई, जिससे जो देव वो कैद हो गया, वो अपनी पूरी पावर को यूज नहीं कर पा रहा है लेकिन वो अमृता की पावरों पर भी एक तरह से काबू कर चुका है और यहीं पर जो उनकी पावर एक तरह से कंबाइन हो चुकी होंगी, जिस वजह से हमारा देव जो है वो वाटर वाली मतलब जल वाली पावर को यूज कर पाता है। इसी वजह से जो जुनून जो होती है वो देव से कनेक्ट करके बारिश करवा देती है, ये भी थ्योरी हो सकती है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारी अमृता है जो जल अस्त्र है उसके पास भी कोई जो है पर्सनल एक इक्विपमेंट हो, स्पेसिफिक इक्विपमेंट हो, जैसे कि कड़ा हो या लॉकेट हो, अंगूठी हो, कुछ भी हो सकता है। और वही जो स्पेसिफिक जो इक्विपमेंट होगा, जो भी लॉकेट वगैरह हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो शायद जो है हमारे देव के हाथों लग चुका हो, जिस वजह से बाद में हमारी अमृता तो मर चुकी है, देव के हाथों में कड़ा लग चुका है और वो कैद भी हो चुका है और उसके पास अभी पावर भी है जल अस्त्र की। अब देखो यहाँ पे एक सवाल मैंने और बताया था कि जो हमारी अमृता है वो बैकग्राउंड से मदद कर रही हो इनडायरेक्ट वे में, तो भी वो बारिश क्यों करेगी। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी शिवा जो है उसे पूरी पावर यूज करनी नहीं आई थी, उसे अपने अंदर से आग निकालनी नहीं आई थी और वो एक तरह से ईशा को भी जो है एक तरह से हर्ट कर रहा था जब वो आग क्रिएट करता है। अगर आपने गेट वाला सीन देखा होगा तो आपको वहां भी याद होगा, तो शायद इसी वजह से जब उन्होंने पूरा अपना आपको फ्लेम्स में कवर कर लेता है, मतलब पूरे एक आग वाला आदमी बना लेता है, तो इसी शायद उम्मीद में जो है हमारी अमृता जो होती है वो बारिश करवा दी थी ताकि उसकी आग बुझ जाए और ईशा बच जाए। शायद ईशा को हर्ट हो सकता था और बैकग्राउंड से एक तरह से मदद ही कर रही। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि वो इसीलिए मदद कर रही हो ताकि जो उसकी आग बुझ जाए और वो लाइटर से आग जलाने की बजाय अपने अंदर से आग निकाले, ये भी हो सकता है। लेकिन मेरे जो सबसे ज्यादा थ्योरी पर चांस है वो इसी वाली पे है कि हमारी जो अमृता है और वो जो देव है वो दोनों कंबाइन हो चुके हैं, उसे कैद करने के लिए अमृता को खुद को उसमें झोंकना पड़ा और दूसरा या तो उसके हाथों में उसका कोई अस्त्र लग चुका है, जो भी कड़ा या अंगूठी अंगूठी हो सकती है वो उसके हाथों में लग चुका है लेकिन वो कैद है और वो अंदर से यूज कर सकता है थोड़ी बहुत ज्यादा। बाकी क्या कहानी हो सकती है वो तो आपको पार्ट टू में ही पता चलेगी। ये मेरी थ्योरी थी जो मुझे लगी, शायद मैं इनमें सारों में भी गलत हो सकता हूँ। आप लोग बताना आपको क्या लगता है कि जो जुनून जो है मतलब मौनी रॉय वो जल अस्त्र की पावर को कैसे यूज कर पाती है एंड द क्लाइमेक्स वाले सीन पे, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। और बाकी अगर आपको कुछ और थ्योरी लगती है कि ब्रह्मास्त्र में ये वाला सीन कैसे हुआ, ये वाली पावर कैसे यूज हुई, मतलब इस तरह का कोई भी थ्योरीज हो तो उन्हें भी डिस्क्रिप्शन में जरूर देना, मैं उन्हें भी सोल्व करने की कोशिश करूंगा जितना मेरे से हो सकता है, जितना मेरे दिमाग है। बाकी उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि बाबू सोना जादू टोना के मैसेज भेज दूंगा भाई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। बाय करते वीडियो को एंड आप अपना ख्याल, बाय बाय।